वंस अगेन मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल. यू आर वाचिंग इकोनॉमिक अमेजॉन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट. होप यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस चैप्टर. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड यू विल गेन द लॉट ऑफ नॉलेज बाय स्टडिंग दिस चैप्टर. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक the video and press the bell button for the further notification. Let's start the chapter. The heading of the chapter is foreign exchange rate. In this chapter we will cover the following points. The first point is foreign exchange and foreign exchange rate. First point apna foreign exchange kya hota hai and foreign exchange rate kya hai. Second, flexible and fixed exchange rate ke bare mein hum padhenge. The third point is manage floating. मैनेज फ्लोटिंग मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है. एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों हमें आवश्यकता होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, ये हम जानेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भी सप्लाई जो है वो हमें कहाँ से आती है फॉरेन एक्सचेंज. एंड लास्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो वी हैव सिक्स पॉइंट इन दिस चैप्टर and I will try to cover the first three points in the first part of this video. Let's start the today's study. First, foreign exchange and foreign exchange rate. Foreign exchange, जैसा आपको पता है simple, it is related to the foreign currency. जैसे अगर आप dollar को example लेते हैं, and we will study the chapter by taking a foreign currency as a dollar. हम dollar को यहाँ foreign currency लेके चलेंगे. Approximate 205 countries in this world and each and every country have their own currency. तो हमारे देश की जो currency it is a domestic currency for us, और बाकी जो सभी देशों की currencies हैं it is foreign currencies for us. जब भी हम रुपीस को किसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं या उसके बदले रुपए के बदले में आप दूसरी करेंसी लेते हैं देन इट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज. और जो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होता है कि आपने एक डॉलर के लिए कितने रुपए दिए देन इट इज़ कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब ये कैसे डिटरमाइंड होता है, क्या होता है, लेट्स स्टडी. फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू द फॉरेन करेंसी, द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ कंट्री से इंडिया, अगर हमारा देश जैसे इंडिया है, रेफर टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज विद द आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. जो जितनी भी फॉरेन करेंसीज होती हैं हमारे आरबीआई के पास होती हैं. मनी और बैंकिंग चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक जो फंक्शन है आरबीआई कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो अवर जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कस्टडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का. जो सारी कंट्रीज की फॉरेन करेंसीज हैं वो आरबीआई के पास होती हैं. मैंने ये भी आपको बताया था ड्यूरिंग द स्टडीज इन प्रीवियस चैप्टर कि इन ड्यूरेशन द कोरोना के लॉकडाउन के बाद में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आरबीआई के साथ ये ऑल टाइम हाई हो गया है. काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज हुआ है ड्यू टू द आत्मनिर्भर भारत, जो कि वोकल फॉर लोकल का स्लोगन हमारे पीएम ने दिया. द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द एंटायर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर. अगर आप डॉलर को लेते हैं तो आरबीआई के पास यूएस डॉलर का कितना स्टॉक है, इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी विद आरबीआई बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ऑल करेंसीज इन यूएस डॉलर. जो सारी जो करेंसी बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी, जो हमारे करेंसी की वैल्यू उसको डॉलर में कन्वर्ट करना. बाय भी अब ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होता है सर डॉलर ही क्यों लिया जाता है, बिकॉज डॉलर इज़ द पावरफुल करेंसी जो सभी कंट्रीज में है, दैट इज़ वाई हम अक्सर डॉलर की बात कर लेते हैं. द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट का आपको डेफिनेशन लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं. द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग है और एक्सचेंज रेट अलग है. एक्सचेंज रेट तो इतना सा होता है अगर आपने मार्केट में 10 रुपए दिए और एक पेन लिया देन इट इज अ एक्सचेंज रेट. भी 10 रुपए में आपने पेन को एक्सचेंज कर लिया, दुकानदार को 10 रुपए दिए बदले में पेन लिया, तो ये तो होता है एक्सचेंज रेट. बट इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपके पास क्या होता है, वैन यू कन्वर्ट योर करेंसी इन टू द अदर करेंसीज तो वो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है. जैसे एक डॉलर के लिए आपने 70 रुपीज दिए तो 1:70 आपका एक्सचेंज रेट हो गया. यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंट इन 1947 देन वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ इज जस्ट इक्वल टू 1 डॉलर.
$1 और 1 रुपया बराबर था, बट आगे जैसे ही डेवलपमेंट प्लान हुआ, जो अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बढ़ता गया, और हमने 1991 में जो ईयर ऑफ डिवाइड है वहाँ हमारे करेंसी को डिवेल्युएशन भी किया। दैट इज़ वाई टुडे वी हैव एक्सचेंज ग्रेटर एक्सचेंज रेट कि 70 रुपये 65 रुपये हमको एक डॉलर के लिए देने पड़ते हैं। इट इज़ द प्राइस पेड इन द डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है कि हमने हमारी करेंसी की कितनी यूनिट्स दी हैं डॉलर के लिए। एग्जाम्पल यहाँ आप लेंगे, ये 50 रुपीज आर टू बी पेड टू बाय 1 US डॉलर। अगर आपको 50 रुपये देने पड़ते हैं एक डॉलर खरीदने के लिए, देन द एक्सचेंज रेट इज $1:50। ये आपके पास यहाँ दिया हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा। दस एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। दो कंट्रीज की करेंसी का जो एक्सचेंज होता है उनका जो रेशियो है, इट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज़ द प्राइज ऑफ द करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ये हमारे देश की करेंसी की वैल्यू है जो कि इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज में रिप्रेजेंट की जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, और इसी को एक्सटर्नल जो वैल्यू है ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहा जाता है। बॉक्स में से आप शॉर्ट डेफिनेशन ले सकते हैं। इन द वर्ड ऑफ क्राउथर की जो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी विद विच इज एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर। मतलब दूसरे देश की एक करेंसी की एक यूनिट लेने के बदले में हमें हमारे देश की करेंसी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, इट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? बाय देयर नेम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, मतलब ये बदलता रहता होगा, एंड फिक्स एक्सचेंज रेट जो कि फिक्स रहता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो करंटली आजकल दुनिया में चल रहा है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जस्ट लाइक इफ़ यू आर इन द वेजिटेबल मार्केट, आपने एक दिन सब्जी खरीदी, तो सब्जी का जो प्राइस है अलग अलग, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट डे जब आप देते हैं जाते हैं तो प्राइस चेंज हो जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कि आज अगर आपने आलू 20 रुपये किलो लिए तो नेक्स्ट डे मे बी वो 25 हो जाए 15 हो जाए, तो इट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है कि ये वेरे होता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट फोर्सेज होती हैं। ऐसे में फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट है फॉरेन एक्सचेंज का, वहाँ भी फॉरेन जो करेंसीज हैं उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है कि वो एक्सचेंज रेट कितना होगा, तो ये बदलता रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लोटिंग है मतलब ये जिस तरीके से पानी फ्लोट होता है वैसे है ये। इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई डिमांड फोर्सेज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट। इसका दूसरा नाम जो है फ्री एक्सचेंज रेट है। ये आप याद रखें, MCQ में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन बनता है। एज इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। और ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड होता है? जो सप्लाई और डिमांड है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, ये सप्लाई और डिमांड किसका है? करेंसीज का जो डिमांड और सप्लाई है उसके जरिए डिसाइड होता है। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। ये वो रेट है जहाँ पे फॉरेन जो करेंसी है उसकी डिमांड जस्ट इक्वल टू सप्लाई हो जाता है, इज कॉल्ड पर रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जहाँ पे फॉरेन करेंसी की डिमांड उसकी सप्लाई के बराबर हो जाएगी वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होगा या पर रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। ये दो नाम है आपको याद रखने हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड होता है? डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर द टू बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो डिमांड और जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी का, ये दो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हैं जिसके जरिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ दीज डिटर्मिनेंट्स। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का जो हम डिस्क्रिप्शन है वो अब पढ़ते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट है तो जो फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड है वो इनवर्स रिलेट करता है उसकी प्राइस से। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि इफ द प्राइस इंक्रीजेज,
अगर उसका प्राइस इंक्रीज होगा और द हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा लोअर द डिमांड, जितना ज़्यादा उसका फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जैसे डॉलर 60 रुपये का है तो उसका डिमांड है, फिर 70 का हो जाता है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ेगा 70-80 होगा तो उसका डिमांड हम कम करते जाएंगे, इट इज़ कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, दस हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड, जितना उसका फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा उसका डिमांड कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, अगर फॉरेन एक्सचेंज कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स प्राइस। डायग्रामेटिकली डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से बताते हैं डिमांड, जब भी इनवर्स रिलेशन होता है आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 में पढ़ा होगा, डिमांड जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज वहाँ भी प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है इनवर्स रिलेशन, तो एज सेम एज फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड है वो उसकी प्राइस से इनवर्स रिलेट करता है, दैट इज वाई द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है अपने स्क्रीन पे ये DF, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे इसका प्राइस पहले R1 था 50 रुपीज, इसका प्राइस बढ़ के R2 होता है तो इसका डिमांड कम हो जाता है, पीछे की तरफ आ जाएगा, अगर ये प्राइस नीचे जाता जाएगा तो ये डिमांड आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, दिस डायग्राम शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसीज एंड द एक्सचेंज रेट, उसकी डिमांड में जो है, ठीक, वो एक्स एक्सिस में हमने डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज लिया है जो कि एग्जांपल में हमने US डॉलर लिया है, और इधर आपने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को लिया है, ये आप ध्यान रखें जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाने की आप प्रैक्टिस करें। नाउ फिगर जो बनता शोज देयर द हायर द एक्सचेंज रेट लोअर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये मैंने आपको समझा दिया है एंड यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन एनी टाइम बाय पॉजिंग योर स्क्रीन। तो इसमें जो आपके पास रेशियो बनता है 70 रुपये पे आपके पास जो डिमांड थी US डॉलर, वो R2 जो प्राइस था उस पे अलग डिमांड था, और जैसे ही आपने आगे गया इसका प्राइस नीचे की तरफ R2 में आता है तो इसकी डिमांड चेंज हो जाती है। डायग्राम आपको दोबारा दिखा देते हैं, M100 मतलब R1 जो आपका प्राइस था इस पे इसकी डिमांड 200 के बराबर थी, और जब इसका प्राइस बढ़ के R2 हुआ तो इसकी डिमांड 100 के बराबर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और उसका जो एक्सचेंज रेट है इसमें पॉजिटिवली रिलेशन होता है, इसका मतलब अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उस करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, और एक्सचेंज रेट कम होता है तो कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की सप्लाई को कम कर देगा, दस हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे ही हायर रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, हायर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस लो होगा तो सप्लाई लो हो जाएगी। डायग्रामेटिकली ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो जैसे सप्लाई आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था वो प्राइस से पॉजिटिवली रिलेट करता है, प्राइस ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी और प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी, ऐसे में फॉरेन करेंसी में अगर फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और अगर उसका एक्सचेंज रेट जो है वो कम होगा तो सप्लाई फॉरेन करेंसी की कम हो जाएगी। डायग्राम में आप देखें, डायग्राम आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व डिनोटेड बाय SF मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, अब R1 रेट पे इसका सप्लाई 100 के बराबर होता है, और जैसे ही इसका प्राइस बढ़ के 70 होता है R2 पे जाता है तो इसका जो सप्लाई है 200 हो जाता है, जो कि मिलियन डॉलर में दिया गया। अगेन OX एक्सेस पे आपने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिया है और OY एक्सेस पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को आपने लिया है, तो डायग्राम इज सिंपल, आप इसकी प्रैक्टिस करें, डायरेक्टली एग्जाम में नहीं बना सकते हैं विदाउट प्रैक्टिसिंग, आप अपने नोटबुक में इसको बना के देखें। नेक्स्ट द डिस्क्रिप्शन इज गिवन हियर एंड यू कैन रीड दिस डिस्क्रिप्शन बाय पॉजिंग योर स्क्रीन, जो मैंने भी समझाया आपको। नाउ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्रक होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, शॉर्ट अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊँ देन इट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये फॉरेन एक्सचेंज होगा, ये आपके पास DF हो गया और ये आपके पास SF जो है सप्लाई कर्व हो गया, तो सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड जो है फॉरेन करेंसी का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज, जो कि मनी मार्केट में फॉरेन मनी मार्केट में डिसाइड होता है।
अब इसके दो नाम है आपके पास, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एंड पर रेट ऑफ एक्सचेंज, दोनों नाम है याद रखेंगे आप, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑकर व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज जस्ट इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो ये आपको याद रखना है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड फॉरेन एक्सचेंज के बराबर होता है। डायग्रामेटिकली इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज correspond to the point where supply and demand curve in the foreign exchange market intersect each other। ये भी मैंने आपको बताया। Now come to the figure number 3 जो आपके पास आता है, the point E जो है ये आपका intersection point है and it is also the equilibrium point जो यहाँ पे foreign exchange rate आपका decide होता है। Let me change the color of the pen, yes। तो E आपके पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे रेट जो है आपके पास फॉरेन करेंसी का जो डिमांड सप्लाई बिल्कुल बराबर होगा, और जैसे ये अब आर वन पे डिसाइड हुआ है यहाँ पे जो उसकी डिमांड सप्लाई है ओ क्यू के बराबर होगा, मतलब डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो भी ओ क्यू हो जाएगा और सप्लाई वो भी ओ क्यू के बराबर होगा, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। एंड एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट शोज द डिसइक्विलिब्रियम, अगर इस पॉइंट से आप ऊपर नीचे जाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम, और वहाँ पे अगेन एक नया इक्विलिब्रियम सेट होके आता है जहाँ पे एक नया फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको नजर आता है। डायग्राम इज सिंपल, डायग्राम बनाने की अगेन मैं रिपीट करूँगा, आप प्रैक्टिस करें तो इट इज़ क्लियर। आगे पीछे जाने पे डिसइक्विलिब्रियम होगा एंड इट इज़ द डिस्क्रिप्शन, लेट मी रीड इट। इन फिगर 3 सप्लाई एंड डिमांड आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने डिमांड और सप्लाई दोनों को लिया है फॉरेन करेंसी के, और ओवाई जो एक्सिस पे आपने लिया था ये तो सप्लाई डिमांड है, इधर आपने रेट ऑफ एक्सचेंज को लिया है। एंड एक्सचेंज रेट ऑन वाई एक्सिस, डी एफ इज द डिमांड कर्व एंड एस एफ इज द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, बोथ दीज कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, इट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड ओ आर इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जो ओ आर था वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था, इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज राइजेज, अगर ये बढ़कर ओ आर वन होता है देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ओ एन के बराबर हो जाती है, विल एक्सीड दिस डिमांड जो कि ओ एम से ज्यादा है। इसको मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ दोबारा, जस्ट लाइक ये आर पे आपके पास क्या होता है ओ क्यू के बराबर डिमांड है या क्यू तक, तो ये इक्विलिब्रियम रेट सप्लाई और डिमांड हो गया ओ क्यू, बट जैसे ये रेट बढ़ता है आपके पास आर वन पे चला जाता है, तो आर वन पे जाते ही जो डिमांड है वो पीछे रह जाता है और सप्लाई इसका बढ़ जाता है, ये गैप डिमांड और सप्लाई में आ जाता है। और अगर ये एक्सचेंज रेट गिर के आर टू पे आता है तो दोबारा इनमें गैप बनता है, तो यहाँ पे सप्लाई जो है ये शॉर्ट रह जाता है और डिमांड इसका ज़्यादा हो जाता है। तो आर वन जो पॉइंट है इस पर आपके पास जो सप्लाई है एस एफ ये लेस हो जाएगा डी एफ से, तो ये डिसइक्विलिब्रियम होगा। और ऊपर वाले पॉइंट पे आर वन पे अगर आप चलते हैं, ये कंडीशन तो आर टू वाली पॉइंट थी, और आर वन वाली जो कंडीशन है यहाँ पे आपके पास जो सप्लाई है ये आपके पास ज़्यादा हो जाती है एस एफ, तो ये दोनों कंडीशन है। यहाँ नया एक आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है दिखाई देगा जब नया इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, और इसको अगर आप ओ एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो क्या होगा, आर वन पे जो डिमांड और सप्लाई है आर टू पे डिमांड और सप्लाई ओ एम के बराबर हो जाता है, और आर टू पे क्या होता है ये जो डिमांड और सप्लाई है फॉरेन करेंसी का वो ओ एन के बराबर हो जाता है। सो इट इज द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग योर स्क्रीन। नाउ इम्पैक्ट ऑफ द चेंज, अब जब डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है, इक्विलिब्रियम रेट है उस पर तो काम चलता रहेगा, बट जैसे ही डिसइक्विलिब्रियम होता है डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का बदलता है, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई। इंक्रीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको देखेंगे करेंसीज का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। सो इम्पैक्ट ऑफ द चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई, तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ऑकर्स वैन वन वैन मोर ऑफ इट इज डिमांडेड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, अगर एग्जिस्टिंग जो प्राइस है फॉरेन एक्सचेंज उस पर आपको डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो यहाँ चेंज आएगा। डिमांडेड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, एक्सचेंज रेट पे, करंट एक्सचेंज रेट पे अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो आपको एक नया एक्सचेंज रेट देखने को मिलेगा मार्केट में। डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ऑकर्स वैन लेस ऑफ इट्स डिमांडेड एंड इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग प्राइस पे अगर डिमांड फॉरेन करेंसी की कम हो जाती है, लेस हो जाती है,
तो वहाँ एक्सचेंज रेट आपके पास फिर नया दिखाई देगा। लाइकवाइज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑकर्स, इंक्रीज कब होगा सप्लाई में, जब मोर ऑफ इट सप्लाईज एन एग्जिस्टिंग प्राइस होगा। एंड डिक्रीज इन सप्लाई कब होगा, जब फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन लेस ऑफ इट सप्लाईज ऑन एग्जिस्टिंग प्राइस। तो यह चार कंडीशन बनती है। इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, दोबारा रिपीट कर देते हैं, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन मोर इज डिमांडेड ऑन एग्जिस्टिंग प्राइस, और डिक्रीज कब होगा इन डिमांड, व्हेन लेस इज डिमांडेड ऑन इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। लाइकवाइज इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा, व्हेन एग्जिस्टिंग प्राइस पे उसकी सप्लाई बढ़ जाए, और डिक्रीज इन सप्लाई कब होगा, जब करंट प्राइस पे उसकी सप्लाई लेस हो जाए फॉरेन करेंसी की। देन देयर आर फोर सिचुएशंस, इट इज सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस। लेट अस एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ दीज फोर सिचुएशंस ऑन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एज अ रेफरेंस। लेट अस कंसिडर द एक्सचेंज रेट बिटवीन US डॉलर एंड इंडियन रुपीज। तो यहाँ हम इंडियन रुपीज, तो इंडियन रुपीज का सैम्बल ये होता है और डॉलर का सैम्बल आपके पास ये होता है। इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं, चारों कंडीशंस को स्टडी करते हैं। देन सिचुएशन वन, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की जो डिमांड में अगर इंक्रीज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये होगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये जैसे इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाता है US डॉलर, और डेप्रिसिएशन क्या होगा, इनमें देखते रिलेशन, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ आपके पास अगेन जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो या इनिशियली जो था आपके पास R1, जो डिमांड और सप्लाई कर्व आपके पास करते हैं, ये आपका सप्लाई कर्व है SF, और ये दोनों डिमांड कर्व हैं। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास यहाँ स्ट्रक होता था और ये इक्विलिब्रियम आपके पास रेट होता था। अब अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, और फॉरेन जो करेंसी है डॉलर जो हमने लिया है, इसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ती है एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो जिसका डिमांड कर्व क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डी से डी वन पे चला जाएगा। जैसे ही डी वन पे शिफ्ट होता है तो आपका नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे स्ट्रक होगा, एंड वी हैव द न्यू एक्सचेंज रेट जो कि पहले वाले एक्सचेंज रेट से ज़्यादा होगा। पहले आपके पास $1.60 के बराबर था, ओ क्यू के बराबर सप्लाई थी इसकी, और जैसे ही फॉरेन करेंसी डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो ये इंक्रीज इन डिमांड होगा, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट पे हुआ है। तो हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे हमको $1 के लिए $70 देने पड़ेंगे, और वो ओ क्यू वन के बराबर होगा। ठीक, ये आर वन से आर टू में इंक्रीज होने पे, तो इट इज़ द केस। ये इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब आपके पास डिमांड इंक्रीज होता है डॉलर का तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। तो पहले वाली कंडीशन से वी हैव टू पे मोर रुपीज़ इन ऑर्डर टू परचेज अ सिंगल डॉलर। पहले ₹60 देने पड़ते थे यहाँ एग्जाम्पल में, अब जैसे डिमांड डॉलर का बढ़ेगा तो वी हैव टू पे ₹70। सो इट इज़ क्लियर, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द डॉलर ऑन इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस ऑन इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ा कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, 60 से 70 चला गया। नीचे बॉक्स में आप देख सकते हैं इसका कि डी जो है द इनिशियल डिमांड कर्व है US डॉलर का, और डी वन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व है। कॉन्सिक्वेंटली जो प्राइस है US डॉलर का, एक्सचेंज रेट राइज हो गया OR से OR1 हो गया है, एंड डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट। तो यहाँ अगर हम कहें तो इट इज़ द एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। ये एप्रिसिएशन किसका हुआ, डॉलर का, क्योंकि अब डॉलर के बदले ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, एंड इट इज़ डेप्रिसिएशन फॉर डोमेस्टिक करेंसी। तो जब फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ता है तो ये एप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी का हुआ, बट डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का हुआ, मतलब रुपीज़ का तो ये डेप्रिसिएशन होगा और एप्रिसिएशन होगा ये डॉलर का, ये आपको याद रखना है। This is the description. Demand curve shift from D to D1. This causes the rise in equilibrium exchange rate. OR से OR1 पे जाएगा. Now $1 is available at ₹70 instead of 60. पहले 60 का था, अब 70 का हो जाएगा. Thus other things remaining constant, increase in demand for foreign currencies lead to the rise in exchange rate. ये इसका impact होगा, ये लाइन आपको याद रखना है. अगर वो पूछता है what is the impact of the increase in the demand of foreign exchange, this is described as a situation of currency depreciation. ये domestic currency का depreciation है, or depreciation of the domestic currency. बॉक्स में से आप पढ़ सकते हैं इसको। नाउ कम टू द अदर सिचुएशन, सिचुएशन नंबर टू।
इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी. अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, इट इज़ द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ये डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन होगा और डॉलर के लिए डेप्रिसिएशन होगा. अगेन द सेम डाइग्राम फिगर नंबर 5, जो इनिशियल आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे, वो आपके पास ये है. तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट R1 के बराबर होता था और जो सप्लाई और डिमांड है फॉरेन करेंसी का वो OQ के बराबर है. बट एज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो डॉलर है उसका डिमांड एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिक्रीज होता है, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व फॉरेन करेंसी का D1 पे. जैसे ही D1 पे शिफ्ट होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट R से R1 पे कम होकर नीचे आ जाएगा एंड इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक हियर. जो मैंने अभी सर्कल किया यहाँ पे ये स्ट्रक होगा न्यू इक्विलिब्रियम और इस पे डिमांड और जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो कम होके OQ1 के बराबर हो जाएगा. और पहले हमको 60 रुपीज़ पे करना पड़ता था एक डॉलर के लिए, नाउ वी हैव टू पे लेस, 50 रुपीज़ एक डॉलर के लिए पे करना पड़ेगा. देन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डॉलर एंड एप्रिसिएशन फॉर डोमेस्टिक करेंसी. तो ये हमारी करेंसी के लिए एप्रिसिएशन है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात होती है. नाउ कम टू द पॉइंट्स गिवन बिलो द डायग्राम. डी जो इनिशियल था आपके डिमांड कर्व यूएस डॉलर का, D1 बैकवर्ड जो डाउनवर्ड शिफ्ट था डिमांड कर्व यूएस डॉलर का, कॉन्सिक्वेंटली जो प्राइस है यूएस डॉलर का वो OR से OR1 तक कम हो जाता है. डोमेस्टिक करेंसी का ये एप्रिसिएशन है इन रिलेशन टू यूएस डॉलर. Now description, demand curve shift from D to D1. This causes the fall in equilibrium exchange rate. इससे कम होगा OR से OR1. Now $1 is available at ₹50 instead of 60. 60 रुपये से ये 50 रुपये पे इसकी कीमत आ जाएगी. दस अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. अगर अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट रहता है और फॉरेन करेंसी का डिमांड डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या होगा, लीड टू फॉल इन एक्सचेंज रेट, ये इसका इम्पैक्ट होगा. यही लाइन आपको याद रखनी है. दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन. ये डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन होगा, ऑन द अदर हैंड ये डेप्रिसिएशन हुआ डॉलर के लिए. बॉक्स में सेम चीज है, इट इज द रिविजन, यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग योर स्क्रीन. नाउ कम टू द सिचुएशन नंबर 3. नाउ वी विल सी अगर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे. इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. तो जब सप्लाई इंक्रीज हो जाता है फॉरेन करेंसी का एग्जिस्टिंग प्राइस पे तो ये डोमेस्टिक करेंसी के लिए एप्रिसिएशन होगा. डिमांड का इंक्रीज होना डेप्रिसिएशन था डोमेस्टिक करेंसी के लिए. कम टू द फिगर सिक्स. यस इट इज द फिगर, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. डी जो है आपके पास डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी का एंड बोथ S1 एंड S आर द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी. तो इनिशियली जो सप्लाई से इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड था वो R1 एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता था और इस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड फॉरेन करेंसी का OQ के बराबर है आपके पास. बट एज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस एट इट्स इन existing price, then the supply curve of foreign currency forward shift ही आगे की तरफ आ जाएगा और S1 तक ये आएगा, ये S1 curve आपके पास आ जाएगा. अब इसका impact equilibrium पे क्या होगा कि that we have new equilibrium point जो कि इस point पे जो मैंने अभी circle किया यहाँ पे determined होगा. और जैसे ये नीचे आता है तो अपने पास क्या होता है, demand और supply foreign currency का Q से बढ़ के Q1 पे चला जाता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट R से R1 पे आ जाता है. तो पहले क्या था, वी हैव टू पे 60 रुपीज़ फॉर डॉलर. अब उसका डॉलर का सप्लाई बढ़ गया एग्जिस्टिंग प्राइस पे, देन नाउ वी हैव टू पे 50 रुपीज़. सो इट इज़ द एप्रिसिएशन फॉर डोमेस्टिक करेंसी. मतलब हमें 50-60 की जगह 50 रुपये देने पड़ते हैं. नीचे जो डायग्राम में पॉइंट दिए गए हैं, S1 जो है इनिशियल सप्लाई कर्व ऑफ डॉलर, S1 शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू द राइट, इंक्रीज इन सप्लाई, कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, प्राइस ऑफ यूएस डॉलर जो था कम OR से कम होके OR1 पे आ जाएगा एंड डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन होगा इन कंपेरिजन टू यूएस डॉलर. इसके कंक्लूजन वाले पॉइंट हैं, ये देखते हैं. सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S to S1, दिस कॉजेज अ फॉल इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फॉर OR to OR1 कम होगा. नाउ
$1 इज अवेलेबल फॉर ₹50 इंस्टेड ऑफ ₹60, 10 रुपये कम हो गया। तो ये हमारे करेंसी का एप्रिसिएशन है और डॉलर का डेप्रिसिएशन। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो ये सप्लाई का इंक्रीज होना हो गया एट एग्जिस्टिंग प्राइस, जो डोमेस्टिक करेंसी का अप्रिसिएशन था। नाउ द सिचुएशन नंबर 4, जो कि लास्ट सिचुएशन है, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई एग्जिस्टिंग प्राइस पे फॉरेन करेंसी का डिक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? इट इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है एग्जिस्टिंग प्राइस पे डॉलर का, तो ये डोमेस्टिक करेंसी के लिए डेप्रिसिएशन होगा। कैसे होगा? लेट्स कम टू द डायग्राम। नाउ डायग्राम इज ऑन योर स्क्रीन। अगेन वी हैव टू सप्लाई कर्व, एस एन एस वन, और डिमांड कर्व डिनोटेड बाय डी। जैसे ही सप्लाई एग्जिस्टिंग प्राइस पे डॉलर का बढ़ता है, कम होता है सॉरी, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और एस से एस वन पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ होता था, और जो बाद में इवेंचुअली नया आपके पास इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा वो इस पॉइंट पे होगा जहाँ मैंने अभी सर्कल किया है। इसको नए इंक से कर देते हैं एक बार, इसको रब करके ये आपके पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ पे एक्सचेंज रेट आर से बढ़ के आर वन पे चला जाएगा, और जो सप्लाई डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो ओ क्यू से कम हो करके ओ क्यू वन तक इतना कम हो जाएगा। देन नाउ वी हैव टू पे ₹10 मोर। पहले ₹60 आपको पे करना पड़ता था आर वन पे, नाउ वी हैव टू पे ₹70 इन ऑर्डर टू परचेज अ सिंगल डॉलर। देन इट इज द एप्रिसिएशन फॉर डॉलर एंड द डेप्रिसिएशन फॉर अवर डोमेस्टिक करेंसी। पॉइंट जो आपके पास डायग्राम के नीचे दिए गए, एस इनिशियल कर्व है सप्लाई का डॉलर का, एस वन जो है आफ्टर द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व लेफ्ट जो पीछे की तरफ गया, कॉन्सिक्वेंटली प्राइस ऑफ $US जो है राइज होगा ओ आर से ओ आर वन पे। डोमेस्टिक करेंसी का ये डेप्रिसिएशन होगा इन कंपेरिजन टू $US। नाउ सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम एस टू एस वन, दिस कॉजेज द राइज इन इक्विलिब्रियम। एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, ओ आर से ओ आर वन होगा। नाउ $1 इज अवेलेबल एट ₹70 इंस्टेड ऑफ 60, 60 रुपये से बढ़ के एक डॉलर की कीमत ₹70 हो जाएगी। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। ब्रीफली अगर आप देखें, एक्सचेंज रेट राइज व्हेन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेज और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल। तो एक्सचेंज रेट कब बढ़ता है? दो सिचुएशन पे, जब फॉरेन करेंसी का डिमांड एग्जिस्टिंग प्राइस पे बढ़ जाता है या उसका सप्लाई कम हो जाता है। इन दो कंडीशन में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है, मतलब हमें ज़्यादा रुपया देना होगा डॉलर को परचेज करने के लिए। इट लीड्स टू द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और इन दोनों सिचुएशंस में डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। कौन सी दो सिचुएशन? व्हेन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, या फिर सप्लाई फॉल्स एट एग्जिस्टिंग प्राइस। ऑन द अदर एंड एक्सचेंज रेट फॉल, और एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल कब होता है? जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल, डिमांड फॉरेन करेंसी का एग्जिस्टिंग प्राइस पे कम हो जाए या उसका सप्लाई इंक्रीज हो जाए। इट लीड्स टू द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो चार में से दो सिचुएशन तो डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिसिएशन के हैं और दो डेप्रिसिएशन के हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक जो करेंसी है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट है, और डेप्रिसिएशन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट है। मतलब डेप्रिसिएशन में आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं डॉलर को परचेज करने के लिए, और जब एप्रिसिएशन होता है देन यू हैव टू पे लेस रुपीज इन ऑर्डर टू परचेज अ डॉलर। सेकेंड, लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $US। इधर आ जाओगे आप, मोर रुपीज आर नीडेड टू बाय डॉलर। इसके कॉजेज क्या हैं? दो कॉजेज हैं एप्रिसिएशन के, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एग्जिस्टिंग प्राइस पे, या डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट एग्जिस्टिंग प्राइस। एग्जांपल आपको दिया हुआ है नीचे। इधर कॉजेज आते हैं इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ जाए एग्जिस्टिंग प्राइस पे, या उसका सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाए। दोनों
कारण से डेप्रिसिएशन होगा और या हमें ज़्यादा 60 की जगह 70 रुपये देने पड़ेंगे, इधर हमें 60 की जगह 50 देने पड़ते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल ट्राई टू कवर इन द सेकेंड पार्ट। होप यू आर एन्जॉइंग। वंस अगेन इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल बटन। Thank you very much for watching me.